नमस्ते बच्चों, ठाणे महानगर पालिका के वर्चुअल क्लासरूम में आज सभी बच्चों का आपका स्वागत है। आज हम नवी कक्षा की जो चौथी किताब है, ये जो कविता है जो गुलजार जी ने लिखी है, उसको हम पढ़ेंगे। गुलजार जी की काफ़ी सारी कविताएं, उनकी शेरो शायरी, उनकी किताबें काफ़ी मशहूर है। ज़्यादातर तो फिल्मों में उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे। उनका मुझे गीत तो काफ़ी अच्छा लगता है, देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, मतलब वो बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी जो शब्द रचना है वो सुनकर कानों में मिश्री जैसी घुल जाती है। ये जो हमारी कविता है किताबें, उन्होंने क्या किया है इस किताबें कविता में कि हमें ये दिखाया है कि आजकल जो कंप्यूटर का ज़माना है, इस कंप्यूटर के ज़माने में क्या हो रहा है। हम लोग हर बात को मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे क्लिक करके सब जानकारी हासिल कर लेते हैं तुरंत। हमको किसी की कोई किताब चाहिए, कोई कविता चाहिए, कोई शब्द चाहिए, किसी का अर्थ चाहिए, कोई जगह चाहिए, कोई किसी जगह का नाम चाहिए, हमको ट्रेन का, गाड़ी का कुछ टाइम टेबल चाहिए, हमको जो कुछ भी चाहिए हम क्या करते हैं, गूगल सर्च करते हैं। तो कई लेखक कहना क्या चाहते हैं, लेखक गुलजार जी कि प्रस्तुत कविता में जिन्हें गुलजार जी क्या बोलते हैं कि पुस्तकें पढ़ने का जो सुख कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि और पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती हुई दूरी, पुस्तक और मनुष्य के बीच बढ़ती हुई दूरी, ये जो चल रहा है वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको खलती है ये बात। क्यों क्यों खलती है? क्योंकि आज तक जब कंप्यूटर नहीं था तो जितने लोग बड़े बड़े महान ज्ञानी नेता बने हैं वो सब किताबें पढ़कर ही तो बने हैं। आज हमारी जो घटना घटी लिखी गई है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, उसके बदौलत हम आज अपनी जिंदगी बड़े शान शौकत से जीते हैं। वे तो एक ब्रेड का टुकड़ा खाकर 8 8 घंटे 12 12 घंटे पढ़ाई करते थे किताब में, मतलब किताबी कीड़ों के जैसा वो किताबों में ही पढ़ा करते थे। उनका जितना पढ़ना लिखना है मुझे तो लगता है किसी और का शायद कम ही होगा, लेकिन उन्होंने जो कुछ हमको दिया है, हमारी कौम को, हमारी जाति को, हमारे पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को उन्होंने जो दिया है कि इसकी बदौलत आपको जीना है, ये आप करोगे तो ऐसा होगा, ये आप करोगे तो ऐसा होगा, हमें एक इज्जत से जीने का उन्होंने एक मसला दिया है। तो ये सब कैसे हुआ है? किताबें पढ़ने से ही हुई है। किताबें किताबें एक इंसान का चेहरा होता है। जब हम बहुत सारा किताबें पढ़ने लगते हैं तो उसकी आभा हमारे चेहरे पर आ जाती है, हमारे एटीट्यूड पर आ जाती है, हमारे बातचीत पे आ जाती है, हमारा चलना बोलना, उठना फिरना, हर बात में वो हमारा जो पढ़ाई लिखाई है वो हमारे चेहरे पे दिखाई देती है। तो इसलिए हमको होशियार तो होना ही है, उसके साथ में ज्ञानी होना है। क्या होना है बच्चों? हमको ज्ञानी होना है। तो ये जो कविता है किताबें, ये कवि ने, गुलजार जी ने हमें जो दी है पढ़ने के लिए। अब देखो मैं आपको उसका परिचय देती हूँ। पहले इनका जन्म हुआ है 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम, जिला पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में, मतलब तभी भारत हमारा स्वतंत्र नहीं था। ठीक है बच्चों? गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। उनका सरनेम क्या है? कालरा। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं वे, बराबर? उनकी कृतियां है चौरस रात, लघु कथा है रावी पार, कथा संग्रह रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह, खराशे, कविता कहानी का कोलाज, ये उनकी सामग्री सब कृतियां प्रसिद्ध हैं। ये जो कविता है, किताबें, ये नई कविता से ली गई है। कविता की हर एक स्रोत होता है, कविता का हर एक स्रोत होता है, हर एक पद्धति होती है, हर एक प्रणाली होती है। तो उसके उसके हिसाब से ये जो है किताब, हमारी कविता जो है वो कैसी है? नई कविता है, आधुनिक वाली। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकों के पढ़ने का सुख कंप्यूटर के कारण
पुस्तकों के प्रति अरुचि और पुस्तक और मनुष्य के बीच घटने वाली दूरी को, उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। उनको एक दर्द है, एक दुख है कि हम पुस्तक से दूर होते जा रहे हैं। इस तरह से मैं आपको पहले कविता पढ़कर सुनाती हूँ, फिर आपने पढ़ना है, फिर हम उसका भावार्थ देखेंगे। देखो बच्चों, ध्यान दो, पेज नंबर है 12 और दूसरा उसकी बाकी की पंक्तियां है 13 पर, ठीक है? देखो आगे, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शाम उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर। झांकती है मतलब वो किताबें हमें अलमारी से देखती है कि अरे भाई अलमारी तो खोल, मुझे तो देखो, पढ़ो, किताबों को खोलकर तो देखो, पन्ने तो पलटो, देखो तो सही मैं कितने दिन से किताब अलमारी में पड़ी हूँ। इस तरह से वो किताबें हमें बोलती है, ऐसा खलता है किनको, गुलजार जी को, इसलिए वे हमें बता रहे हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, महीनों मतलब महीनों महीनों बीत जाते हैं लेकिन कोई अलमारी खोलता नहीं है, किताबें निकालता नहीं, कोई पढ़ता नहीं है। ये बहुत दुख की बात हो रही, क्यों? क्योंकि हम सब कंप्यूटर में ही देख रहे हैं, यहाँ से क्लिक किया कि वहां पर सब इंफॉर्मेशन हमें आकर मिलती है। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी, सोबत में उनके साथ में कटा करती थी मतलब उनके साथ बीतती थी, हम लोग उनके साथ बैठते थे, इस तरह से। इसलिए लेखक बोलते हैं कि किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर। अब अक्सर क्या हो रहा है? अब अक्सर हम कंप्यूटर पे ही बैठते हैं, नहीं तो हम मोबाइल पे बैठते हैं, दोनों उंगलियों से टाइप करते रहते हैं और देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सब कुछ उसमें ही होता है। हमारे 24 घंटों में से तो मुझे लगता है 12 घंटे तो उसी में गुजर जाते हैं कि हम खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया तो मोबाइल उठा लिया। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ऐसे भी लोग हैं कि जो मोबाइल को इतना नहीं अहमियत देते, खाली काम के वक्त ही देखते हैं, लेकिन 95% लोग जो ऐसे हैं कि उनका मोबाइल के बिना चलता ही नहीं है, वो उठे सुबह तो पहला उनका व्हाट्सएप फेसबुक चालू, ऐसा होता। तो इसलिए लेखक कहते हैं जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी, जो शामें हमारी किताबों में कटा कटा करती थी, वो आज क्या हो रही है, अक्सर हमारे मोबाइल और कंप्यूटर में कटती है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, वो रिश्ते वो सुनाती थी। क्या कहते हैं कवि कि कंप्यूटर के पर्दों पर ही सब अब चलता है और हमारी किताबें क्या हो रही है, अलमारी में पड़े पड़े बेचैन हो रही है, उनकी जान गले तक आकर रुक गई कि अरे हमें कोई तो खोलो, कोई तो हमें पढ़ो, इस तरह से। जो कदरे वो सुनाती थी, कद्र कदरे यानी कि मूल्य, मूल्य कहते हैं ना कि उसके मायने क्या है, उसकी कीमत क्या है, कदरे जो सुनाती वो कदरे वो जिनके सेल कभी नहीं मरते थे। हमारी किताबों में कभी सेल पड़ता है क्या? नहीं ना, हम किताब एक बार पढ़े या हजार बार पढ़े या करोड़ों बार पढ़े, उस किताब का कुछ खत्म होने वाला है नहीं, लेकिन हम मोबाइल पढ़ेंगे तो हमें उसको रिचार्ज करना पड़ेगा, अगर हम कंप्यूटर पे करेंगे तो हमको लाइट का बिल भरना पड़ेगा, अगर हम उसमें सेल भरना पड़ेगा, ये सब हमको करना है, सब पैसे वाली बात है, पैसा खर्च करने वाली बात है। लेकिन किताबें जो हैं हमने अगर एक बार खरीद ली तो उनको बस हमें पढ़ना है और ज्ञान प्राप्त करना है, इस तरह से। जिनके सेल कभी मरते नहीं थे वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। रिश्ते जो हमारा एक रिश्ता होता है, हमारे भाई बहन का रिश्ता होता है, दोस्तों का रिश्ता होता है, जो रिश्तेदारों का रिश्ता होता है, बोलते ना ये हमारे पड़ोसी हैं, ऐसे ऐसे रिश्ते होते हैं हमारे, अनेक रिश्ते होते हैं, तो ये जो रिश्ता है वो रिश्ते वो अभी सुनाते हैं।
वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कोई सफा, सफा यानी कि पन्ना, अगर हम किताबों का एक पन्ना पलटते हैं, उसमें से कोई परिच्छेद पढ़ते हैं, उसमें से कोई लाइन पढ़ते हैं, उसमें से कोई शब्द पढ़ते हैं, तो कोई बात, उसकी भावना, उसकी प्रेरणा, उसका संदेश हमारे दिल को छू जाता है। और जब छू जाता है तब क्या होता है, हमें वो किताब और अच्छी लगने लगती है। बराबर है? तो इस तरह से बच्चों, किताबों का मोल कभी कम नहीं होगा। जिस तरह से भले सोना का भाव कितना भी बड़ा हो, लेकिन लोहे का भाव उतना ही रहेगा जितनी हमको जरूरत है। वो सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता है, एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। लफ्ज यानी के बात, लफ्ज लफ्ज यानी के लिखा नहीं, मैं इसमें लफ्ज नहीं लिखा। ये जो शब्द है आपकी कॉपी में, वीडियो पॉज करके आप लिख लेना, हसरत, कामना, उम्मीद, इच्छा, सोबत, संगत, कदरे, मूल्य, मायने यानी कीमत, जायका, लज्जत, स्वाद, सफा यानी के पन्ना, इल्म यानी के ज्ञान, रुके यानी के चिट्ठी, संदेश, मैसेज, रिहल, ठावनी यानी जिस पर हम धर्म ग्रंथ किताब रखकर पढ़ते हैं ना, कुरान, गीता, रामायण रखकर हम पढ़ते हैं, उसको ठावनी बोलते हैं। ठीक है? वह लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। लफ्ज यानी कि हमारी बात करने का एक तरीका, एक अल्फाज। बिना पत्तों को सूखे ढूंढ लगते हैं, सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबा पर जो जायका आता था, जुबा पर हमारी जबान पर जो जायका आता था, जायका यानी कि टेस्ट, एक किस्म का लहजा, जो सफा पलटने का अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो सो जाती है राबता था कट गया है। किताबों से जो जाती राबता था, जाती यानी कि किताबों के साथ हमारा एक अंदरूनी रूहानी जो एक रिश्ता था, एक संपर्क था हमारा किताबों से, तो अब वो संपर्क नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब ये डिजिटल का जमाना है और हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में हर बात देखते हैं, पावर पॉइंट देखते हैं, उसमें सब वीडियो बनाते हैं, उसमें से पीपीटी बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस में हम कुछ मैसेज डालते हैं, लिखते हैं, और अभी तो क्या क्या आया है वीडियो में। तो ये सब कैसे होता है? किताबों को हम भूल चुके हैं। आजकल बच्चे भी किताबों की पढ़ाई को थोड़ा ध्यान नहीं देते, ज्यादा वीडियो ही देखते हैं ऐसे। तो इसलिए लेखक कहते हैं, जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। बोला कभी भी हम लोग रात को सोने के टाइम पे सिरहाने रखकर भी किताब पढ़ते थे। मैंने ऐसी पढ़ाई की है, मैं जब 12वीं में थी तब मेरी किताबें सब मेरी तकिया के अंदर हुआ करती थी। मैं रात को पढ़ा करती थी और सुबह में लिखती थी। दिन भर में कुछ नहीं, दिन भर में मैं जॉब करती थी। तो इस तरह से किताबों को आपने किस तरह से बच्चों जैसे संभालना चाहिए। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि कभी सीने पे रखे हुए लेट जाते थे, कभी गोदी में लेके लेते थे, तो हम लोग भी कभी कभी सीने पे लेके किताबें पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। तो इसलिए कहा है लेखक ने कि कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे। छूते थे जभी से तो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मतलब लेखक क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग जब ये सब किताबें पढ़ते थे तो उसको भगवान का दर्जा देते थे, ईश्वर का दर्जा देते थे, और उसको इस तरह से हम पढ़ते थे कि प्रेज दी लॉर्ड, प्रेज दी लॉर्ड, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे हम लोग किताब को भगवान का दर्जा देते थे। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि कभी घुटनों को अपने रिहल ठावनी, रिहल यानी के ठावनी, जहाँ जिस पर किताब रखकर पढ़ी जाती है उसे,
अभी जैसे बोलते हैं ना मुस्लिम कौम में देखो, उनको जो ठामनी रहती है, रिहल रहता है, वो उसमें जो कुरान रखते हैं, लेकिन वो काफी ऊंचाई पर रखते हैं ताकि उस पर किसी इंसान की छाया ना पड़े, इतना उसको वो अहमियत देती है। जैसे आप हम लोग भी करते हैं ऐसा, आप लोग करते हो ना? हमारी जो महाभारत है, रामायण है, गीता रामायण है, जितनी भी हमारी महापुरुषों की महा इसकी महान किताबें हैं, हम लोग भी पुराण जैसे को ऊपर ही रखते हैं, ठावनी में ही रखते हैं, रियल में ही रखते हैं, और जब उसको पढ़ते हैं तो उसको, उस किताब को हम ईश्वर खुदा का दर्जा देते हैं। तो इसलिए लेखक कहते हैं, कभी घुटनों को अपनी रियल की सूरत बनाकर निम्न सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जभी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा में, मगर जो किताबों से मिलते रहते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। देखो, लेखक कहते हैं कि जब वो किताबें, हम लोग भी करते थे, किताबें में फूल रखते थे, पीपल के पन्ना रखते थे, फिर उसको वो जाली बनती थी, तो मतलब अभी जाली बन गई मतलब हम लोग को कभी ज्यादा पढ़ाई आएगी, इस तरह से हम लोग मायने करते थे। तो और कभी कभी कोई किसी से टकरा जाता है तो किताबें गिर जाती है, फिर वो किताबें उठाते हैं, तो इस बहाने उनके रिश्ते बनते हैं, दोस्ती बनती है, और दोस्ती बनकर फिर प्यार बनता है, फिर शादी बनती है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। वो है ना गाना, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे उन्हीं नरगिसी हाथों का सहारा दे दे। वो तो उस तरह से वो किताबें गिरती है तो वो उठाते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं। तो ये जो सब माहौल है वो अब नहीं होगा। होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम कंप्यूटर पे किताबें पढ़ते हैं, मोबाइल पे किताबें पढ़ते हैं, तो कैसे होगा? ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने एक कविता पढ़नी है। किताबें जागती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीने अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की, सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता है एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे डंडे अब अल्फाज जिन पर अब कोई माने नहीं करते। किताबें जागती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर, इसके नीचे मैंने वर्ड्स दिया, देखो, हसरत इच्छा यानी कामना, तकती यानी के देखना, ये आप आपकी कॉपी में लिख लेना। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने से सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है, क्योंकि शामें किताबों के साथ गुजर जाती थी अब कंप्यूटर के पर्दे पर गुजर जाती है। किताबों से बिछड़ जाने में किताबें बेचैन हैं, और इसलिए उनकी हालत यह हो गई है कि वह नींद में भी चलने लगी है। कहने का मतलब यह है कि किताबें कवि के सपने में भी आने लगी है। इन किताबों में से जो मानव के लिए मूल्य मिलते हैं अब वह नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि किताबें रिश्तों संबंधी के बारे में भी बताती थी ना, किताबों में सब लिखा होता है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, हमें पूरी दुनिया का ज्ञान इस किताबों से हमें मिलता था। आगे देखिए, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर, बड़े बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वह सुनती थी कि जिनके सिर कभी मरते नहीं थे, कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वह सुनाती थी। कवि कहते हैं कि आजकल का जमाना कंप्यूटर का जमाना है, इसलिए किताबों की जरूरत पहले जैसी नहीं पड़ती। इस पर कवि बहुत नाराज है। क्यों? क्योंकि आजकल किताब केवल अलमारी में रखने की चीज हो गई है, एक शोपीस बोलते हैं ना उस तरह से, कि देखो हमारे पास इतनी किताबें हैं, इस तरह से काफी लोग 100 किताबें रखते हैं लेकिन उसमें से 10 ही किताबें पड़ी हुई होती है। अब इसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? बंद अलमारी की तरफ देखकर कवि को ऐसा लगता है कि किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही है, कहते हैं मुझे बाहर निकालो,
और कोई तो पढ़ो, इसलिए कवि कहते हैं, महीने गुजर जाते हैं लेकिन किताबों से मिलना नहीं होता। जब किताबों के साथ शाम गुजर जाती थी, मतलब हम पढ़ते थे पर अब अक्सर अक्सर अब हम सिर्फ कंप्यूटर ही देखते हैं। इस तरह से सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो सिसकी निकलती है, कई लफ्जों में माने गिरे पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते। सफा यानी कि पन्ना, सिसकी यानी कि धीरे धीरे रोना, लफ्ज यानी कि शब्द अल्फाज, ढूंढ यानी कि फंदी खोड़, अल्फाज शब्द मानी यानी कि अर्थ। ये आप आपके कॉपी में लिख लीजिए पॉज करके। जुबा पर जो जायका आता था, जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जाति राबता कट गया है। जायका यानी कि स्वाद, लज्जत, सफा यानी कि पन्ना, पेज झपकी पलक झुकते ही हमारी पलकें तह बतह एक के बाद एक, हाँ, जाति राबता यानी कि निजी संबंध, जाति राबता हमारा संबंध, हमारा रिश्ता। इस तरह से ये शब्द आप आपकी कॉपी में लिख लेना बच्चों। यहाँ कवि कहते हैं कि किताब पढ़ने का तरीका कंप्यूटर में किताब पढ़ने का तरीका बहुत अलग अलग है। जैसे हम पुस्तक पढ़ते समय पन्ना पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता है, लज्जत मिलती है जब हम पन्ना पलटते हैं, उसी तरह उसी प्रकार अब कंप्यूटर पर स्वाद नहीं मिलता, बल्कि उंगली क्लिक करने पर ही बहुत जल्दी पलक झपकते ही पन्ने बदल जाते हैं। कंप्यूटर पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक पन्ना खोला जाता है, वन बाय वन। इसी कारण लोगों को किताबों के बिना निजी संपर्क जो है वो अब नहीं रहा है। यहाँ कंप्यूटर पर किताब पढ़ना आसान लगता है, और हम लोग तो वैसे भी बहुत से लोग आलसी भी होते हैं, क्यों अलमारी से किताब निकालें, क्यों लाइब्रेरी में जाएं, है ना मोबाइल, देखो मोबाइल पे पढ़ते हैं, भले आंख को तकलीफ हो जाए वो स्क्रीन बड़ा बड़ा करके देखेंगे, लार्ज करेंगे, जूम करेंगे, उसमें ही मरकर देखेंगे, लेकिन किताब निकाल कर नहीं पढ़ेंगे। इसलिए गुलजार जी को इस बात का काफी दुख हो रहा है, काफी यानी कि काफी दुख हो रहा है। तो उन्होंने किस तरह से अपने शब्दों में हमें कविता के जरिए बताया है, कभी सीने में रख के लेट जाते हैं, कभी गोदी में लेते हैं, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, चूथे थे जभी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। गोदी में मराठी मध्ये आपण त्याला मांडी बोलतो, गोदी मध्ये अपने पैर पर रिहल जिस पर ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है, रिहल उसे रिहल बोलते हैं, उसका दूसरा शब्द है ठावनी। नीम सजदे आधा आधा माथा टेक कर, नीम सजदे में यानी के आधा माथा टेक कर, जबी यानी के माथा, जबी इल्म यानी के ज्ञान, आइंदा बाद में भविष्य में, इन फ्यूचर। हाँ, यह शब्द के अर्थ आपकी कॉपी में लिख लेना बच्चों। देखो इस तरह से हम अपने घुटनों पर रखकर अपनी जबी पर उसको भगवान का दर्जा देकर अपने तरीके से हम उस किताब को पढ़ा करते थे, इसलिए लेखक बोलते हैं कभी सीने पर रख के लेट जाते थे तो कभी गोदी में लेकर सोते थे तो कभी सजदा करते थे। सजदा यानी के उसको हम ईश्वर की देन समझते थे। तो कि किताबें हम इस तरह से पढ़ते हैं कंप्यूटर पर, जूम करो, लार्ज करो, बीच में बैठकर कॉफी पियो, तो कभी अगर लाइट चली गई तो समझो उसका सेल खत्म हो गया तो वो हम नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन किताब जो लिखी हुई है उसको हम कभी भी कहीं भी एनीवेयर पढ़ सकते हैं। बराबर है, किताबें ये हमारी जान है, किताबें ये हमारा ज्ञान है, किताबें ये हमारा सर्वस्व है, और हमको
इसे इसकी जतन करना चाहिए। देखिए ये किताब काफी पुरानी किताब, किस तरह से देखिए, ये किताब में मोमबत्ती लगाकर पढ़ाया जाता था, चश्मा में रखा हुआ है। हम जब छोटे थे तो हम लोग भी जब समझो लाइट चली जाती थी तो इस तरह से हम लोग हमारे माले पर बैठकर मोमबत्ती लगाकर पढ़ा करते थे। मुझे ये चित्र देखकर ये याद आया है। अनमोल ज्ञान जी, सुनील दरेकर जी हैं, इनके मैंने वीडियो से ये सब चित्र लिए हैं। उनकी मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उनके चित्र के द्वारा मेरा ये लेसन प्लान पूरा हुआ है। थैंक यू सुनील दरेकर जी। आगे देखिए, ये देखो इस तरह से ये हमारा डिजिटल का सामान है, और इस तरह से हम कान से वो माइक्रोस्कोप फोन लगाते हैं, रिचार्ज लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं, डेक लगाते हैं, क्या क्या नहीं करते, मोबाइल व्हाट्सएप इसका स्टार्ट करने के लिए स्क्रीन लगाते, कितना सारा डिजिटल का सामान हमको इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन किताबें, किताब तो एक ही होती है, बस पन्ना खोलो, सफा पलटो और पढ़ना चालू करो, इस तरह से होता है। तो इसी तरह लेखक कहना चाहते हैं कि हम आज कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, इस डिजिटल के जमाने की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पुस्तक किताब के जो मायने हैं वो कभी भी कम नहीं होंगे और ना कभी कम हुए हैं, वो हमेशा ही बरकरार रहेंगे। आगे देखिए, ये देखिए किस तरह से हम किताबों को देखते हैं, किताबें हमें किस तरह से जागती है कि अरे भाई मुझे अलमारी से निकालो और मुझे पढ़ो, इस तरह से किताबें बोलती हैं चित्र के द्वारा। इस तरह से अलमारी में ये किताबें सजाई जाती हैं, देखो लाइब्रेरी में भी, हमारे घर में भी। और कितनी किताबें हम पढ़ते हैं ना, हम नहीं किताबें पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, मोबाइल में ही जिंदगी जीवन जी रहे हैं, कंप्यूटर में जी रहे हैं, लैपटॉप पे जीवन जी रहे हैं, और यही सब प्रणाली आज हमको आगे लेके जा रही है। लेकिन फिर भी किताब का महत्व कम नहीं हुआ है। कवि कहते हैं कि हमारा संपर्क बड़ा हुआ करता था, कभी हम किताबों के छाती पर रख के लेट जाते थे, कभी गोद में रख कर लेते थे, कभी उसे घुटनों पर रियल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रख कर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, उसे माथे को लगाते थे, चूमते थे, क्योंकि हमें मालूम था ऐसा करने से भविष्य में उससे और भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब यह नहीं रहा है, नहीं है ना बच्चों, अभी यह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डिजिटल के दुनिया में जी रहे हैं। मगर वो किताबें जो मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे रुके चिट्ठी संदेश कि वो किताबों के जरिए मिला करते थे, हम लोग किताबों में सूखे फूल रखा करते थे। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि जैसे लोग पहले किताबें गिरने के बहाने एक दूसरे से किताबें उठाने के बहाने मिला करते थे, बातचीत किया करते थे, उनकी आंखों द्वारा एक दूसरे को संदेश दिया करते थे, वो सब अब नहीं होगा। आपने वो गाना सुना ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तू मैंने, वो भी वैसा ही माहौल था ना किताबों का। तो वो गिराता है फिर वो उठाती है, वो रखती है कि कैसी किताबें पढ़ना चाहिए। और वो दूसरा एक गाना है वो, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, आ मुझे नरगिसी हाथों का सहारा दे दे, क्योंकि किताबें उठाते वक्त जब उसके हाथों का स्पर्श हुआ था तब उसको लगा था कि इनकी ये काफी नरगिसी है, काफी सुंदर है, अपनी पूरी दुनिया में काफी सुंदर यही है। तो इसलिए जब उनका जब दिल मिल गए, मन मिल गया, रिश्ते मिल गए, तो बात करने से बातें मिल गई, उनका प्यार हो गया, तो इस तरह से ये जो सब बातें होती थी वो अब नहीं होंगी, ऐसे गुलजार जी कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि किताबों के साथ हमारी बहुत सी कुछ रोचक बातें जुड़ी हुई थी, ये आप लिख लो बच्चों। अब कंप्यूटर के जमाने में रोचक बातों का महत्व नहीं है, किताबों में हम किसी के लिए फूल संदेश पत्र रख कर दिया करते थे, ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए लोग उसको सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे, यह फूल सूखी पंखुड़ियां उनके संबंधों को ताजा करती थी। इसलिए कवि कहा करते थे कि किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों का रिश्ता बनता था, संबंध जुड़ जाते थे, और इसलिए कि कवि कहते हैं कि जब
किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे, यह उन्हें बड़ा प्रश्न पड़ा है। इसलिए उन्हें बहुत दुख दर्द हो रहा है। अभी आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी बच्चों। अभी आप ये स्वाध्याय है वो आप लिख लीजिए, इसमें आपको ये दो गुण मिलेंगे। आपको लिखना है कि कविता के जरिए अलमारी और किताबों की क्या मायने हैं। कंप्यूटर के युग में किताबें पहले जैसी उपयोगिता नहीं रही है, इसके बारे में कवि कहता है कि आजकल किताबें अलमारी में रखने की चीज हो गई है। बंद अलमारी की तरफ देखा तो ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशे से कवि की ओर झांक रही हो और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े। महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना नहीं होता। एक ऐसा समय था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर इस तरह कवि किताबों के बारे में बताते हैं। ऐसा आपको ये दो गुण के लिए आएगा। आपने ये आपकी कॉपी में लिखकर बाय हार्ट कर लीजिए। भाषा बिंदु देखिए, शब्द युग्म पूरे कीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। घर घर घर, फिर आपको इस शब्द को वाक्य में करना है। कैसे? महात्मा गांधी का नाम घर घर जाना जाता है, हर है ना, हर नोट पर है ना। उधड़े 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 उधड़े, उस वृद्धा के रिश्ते उधड़े उधड़े से हैं। मतलब उसका कोई नहीं, इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं। इस तरह भला भला बुरा, वाक्य क्या आएगा? भला बुरा कैसा भी हो, भाई तो भाई होता है। इस तरह से आपको ये भाषा बिंदु के जरिए क्या करना है, शब्द युग्म के शब्दों को आपको वाक्य में भी लिखना है और शब्द युग्म भी बनाना है। आपको ये परीक्षा में दो गुण के लिए अवश्य आएगा। आगे देखिए, प्रचार 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 प्रचार, आज का ज्ञान जमाना प्रचार प्रचार का है, प्रचार प्रसार का है, बराबर ना, राजनीतिक का है तो प्रचार और प्रसार का ही जमाना है। भूख भूख प्यास, वाक्य क्या आएगा? किसान भूख प्यास रहते हुए निरंतर अपने काम में लगा रहता है, जब तक उसका काम पूरा नहीं होता वो अपनी रोटी की तरफ ध्यान नहीं देता। आगे देखिए, भोला भोला भला, वाक्य क्या आएगा? गणेश एक भोला भला लड़का है। आगे देखिए, प्रथम पांच पंक्तियों की भावार्थ लिखिए। आपको ये पांच पंक्तियां दी है, इसका आपको भावार्थ लिखना है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने क्षण, पुस्तकें, आदान प्रदान, दुख दर्द, प्रेम संबंध, इसका चित्रण किया है। कंप्यूटर युग में किताबों के दूरियों को दूरियां निर्माण हो गई है, इसका मार्मिक चित्रण किया गया है। ऐसा आपको लिखना है, ये आपको दो गुण के लिए परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे देखिए, पद्यांश में मानवीकरण किया गया है, किनका किया है मानवीकरण? स्वाद, जायके में अर्थ में प्रयुक्त शब्द, पुस्तके कवि का घनिष्ठ रिश्ता या जिन्स, बराबर है। किताबों के जरिए क्या कहा है? स्वाद और पुस्तके, तो जायकों के अर्थ में प्रयुक्त शब्द क्या है? स्वाद। और घनिष्ठ रिश्तों के बारे में क्या है? पुस्तके। कवि के शाम बिताने के साधन, कवि किस तरह से शाम बिताते थे? पहले किताबें पढ़ने के जरिए किताबें पढ़ते थे, और अब कवि क्या करते हैं? कंप्यूटर के पर्दे पर शाम बिताते हैं। कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ, अल्फाज इल्म आइंदा, शब्द ज्ञान भविष्य में, यानी कि अल्फाज का मतलब होगा शब्द, इल्म का अर्थ होगा ज्ञान, आइंदा का अर्थ होगा भविष्य में। पद्यांश में आए शरीर के अंग, पद्यांश में कौन से शरीर के अंग आए हैं? छाती, गोदी, घुटना, माथा। कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द, ये डबल पीपीटी आई है, अल्फाज इल्म आइंदा, अल्फाज यानी कि शब्द, इल्म यानी कि ज्ञान, आइंदा यानी कि भविष्य में, ये आपको दो गुण के लिए परीक्षा में आएगा। किताबें कहाँ रखते थे पहले? सीने पर, गोदी में, घुटनों पर और माथे से लगाकर। कवि की सिसकी निकलने के दो कारण कौन से थे? लफ्जों के मानी गिरने, अल्फाज ढूंढ लगने से। ये आपको आपकी कॉपी में लिख लो, वीडियो पॉज करके। धन्यवाद।